हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो करवा चौथ अब ख़त्म हो गया है और वो आज भाई इतनी थकान हो रखी थी मेरे को, मॉर्निंग में इतना बैक में दर्द हो रहा था कल की वजह से कि सुबह मैंने प्रकाश के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। आज वो खुद से ही कुछ खा के चले गए। मैंने कहा एग वगैरह कुछ खा लो क्योंकि मैं नहीं उठ सकती। कल रात को तो प्रहान अराउंड, मैं और प्रहान तो 12:30-1 बजे सो गए, सोए लगभग। ये लड़का अभी उठ रहा है, अभी 12 बज रही हैं और ये जस्ट अभी 10। ये जस्ट अभी 10 मिनट पहले उठा है। इसको मैंने अभी इसका नाश्ता करवाया और अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ नीचे मम्मी ने खेत में हरी सब्जी लगा रखी थी और वो हो गई है ऐसे ना, मतलब पालक, हरी सब्जी, चौलाई और पूनम ने मूली भी लगा रखी है। तो मैं सोच रही हूँ हरी सब्जी भी बना लूँ क्योंकि हम दोनों की फेवरेट है। तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे खेत में और प्रहान को नीचे देती हूँ पूनम के पास और पालक लेके आ जाती हूँ और राई। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ मुझे क्या मिलता है, ठीक है? तब मिलती है तुमसे। चलो बेबी चलो नीचे जाएंगे, ठीक है? रोना नहीं आप उनके पास, हाँ मम्मा 2 मिनट में आएगी। की तो पसीना हो गया मुझे। गाइस देखो मुझे इतनी सारी सब्जी मिल गई, भले ये मैंने नहीं निकाली है, उफ सांस कैसे फूल रही, पूनम ने निकाली है मेरे साथ क्योंकि मुझे तो निकालना भी नहीं आता। एक घंटे से लगी हुई थी वहाँ, तो पहले से वॉश करेंगे फिर इसे चॉप करेंगे, ठीक है? तब मिलती हूँ तुम्हें खाना बना के क्योंकि मेरे पति का आने का टाइम हो गया। हाय गाइस, तो दिन में यार इतनी भयंकर, आज इतनी भयंकर नींद आ रही है ना। दिन में मैंने खाना बनाया, उसके बाद बर्तन धोए और सो गई। उसके बाद मुझे ये भी पता नहीं चला कि प्रकाश कब ड्यूटी गए। उसकी किसी ने ना फिर बेल बजाई शाम को, तब जाके मेरी और प्रहान की नींद खुली। तो आज हम वॉक पर भी नहीं गए। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ कि मतलब सोच के आ रही हूँ, मैं दम आलू बना रही हूँ। तो तुम्हें भी रेसिपी मैं सोच रही हूँ शेयर कर दूँ। अब वैसे मैं पहली बार ही बना रही हूँ तो देखते हैं फिर कैसे बनता है और मैं कैसे बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ तुम लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, कुकिंग कर लेते हैं फिर साथ में, ताकि तुम लोग भी बनाओ कभी। तो चलो फिर, हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ सारी प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है। ओके, इन डब्बों में इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने सारे डब्बे खोल के रख दिए किसमें मैंने क्या रखा है। तो थोड़ा सा काजू भी ले लेते हैं, बस इतने बहुत होंगे, ज़्यादा नहीं। छोटे वाले आलू हो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पास थे नहीं तो मैंने बड़े आलू ही काट के डीप फ्राई कर रही हूँ, ठीक है? अभी इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे हम लोग। ये थोड़ा और फ्राई होने बाकी है और इसके बाद ऐसे मोटे मोटे प्याज काट लेना, इसमें लहसुन की कलियाँ, सूखी लाल मिर्च और ये मेरी ग्रीन मिर्ची है बट ये रेड हो गई है, पर तुम ग्रीन मिर्ची यूज़ करना। और काजू ले लेना 8-10 और ऐसे टमाटर, ठीक है? देखो आलू जैसे इस स्टेज पे आ जाए तुम्हारी तो अब इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। तो इससे पहले मैं थाली में निकाल लेती हूँ, देखो मैं टिश्यू लगा लूँ पहले। आलू निकाल दिए हैं और हाँ मैं बताना भूल गई, आलू में किसी फॉक से या टूथपिक की उससे ना छेद कर लेना उन्हें, ताकि अंदर तक वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी ऑयल बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑयल को कम करेंगे और इसमें फिर हम ये काजू और ये प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है? तो अब इस ऑयल में डाल देंगे हम अपने प्याज, लहसुन और अदरक। आ गई भाई, करते करते प्रकाश भी आ गए। मालिक बच्चा सो रखा है, उठ जाएगा, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। हाँ हेलो, गला दबाने की कोशिश, लॉक कर अंदर, आ जा लॉक कर।
तुम्हें कैसे पता? मैं भी बोला। हाँ दम आलू बना रही हूँ आज। हाँ फिर नहीं बनाऊँ? तुम्हें कैसे पता चला? आलू देख के ऐसे ही बोल दिया। तो फिर कैसे बोला तुमने कि दम आलू बना रही हो? उल्लू बनाते हो बेबी तुम। तो देखो आप इस स्टेज पे से निकाल लेंगे क्योंकि हो गया। ठीक है, कल तो खाई नहीं तुमने। इसे थोड़ी देर ठंडा होने रखेंगे और उसके बाद इसे ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे घर में आ गए हैं गेस्ट, तो अभी मैं जस्ट सिंपल रिकॉर्डिंग करूंगी और पीछे से वॉइस नोट डाल दूंगी, तो तुम बस देखते जाओ। कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और उसके बाद उसमें जीरा डाल देंगे और तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और खड़े मसाले जो भी तुम्हें पसंद है वो डाल देना। मेरे पास थे नहीं तो मैंने नहीं डाले। उसके बाद जो हमने ये ब्लेंड किया है सारा मसाला, इसको डाल देंगे। और तुम देख रहे हो कि मैं बार बार कड़छी चला रही हूँ, तो बहुत तेज़ी से कड़छी चलाते रहना, इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, उसके बाद इसमें डाल देनी है देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं जिसे, मैंने तुम्हें दिखाया था। और डाल देना है ये किचन किंग, मेरे पास था तो मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और भुन जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्टेज पे आके तुम्हें डाल देने हैं मसाले, तो मैं मसाले मिक्स करके रखती हूँ, तो तुम लोग कैसे भी डाल सकते हो, मतलब अलग अलग करके या कैसे भी। मतलब इसमें है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, मैं मिक्स करके रखा है, तुम लोग अलग अलग करके डाल देना क्योंकि मुझे ऐसे में ईजी लगता है। तो ये फिर से मैंने ऐसे फ्राई किया और जो ब्लेंडिंग जार था उसमें जो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था उसमें पानी डाल के वही पानी मैंने मसाले में डाल दिया है। और अब मैं इसको फिर कड़छी तेज़ तेज़ चला रही हूँ और ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला ना, और ताकि जले भी ना, समझ रहे हो तुम, पक जाए। तो गाइस ये देखो मेरे पति ने ये फूड चाट बना दिया है और ये यहाँ पर पता नहीं क्या क्या इन्होंने ये कर दिया मिक्स मैच। ऐसे क्या सजा दिया, ऐसे रख दो एक साइड, बस बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं खाएगा इन्हें। लो लेके जाओ गो। ये मसाला पकने के बाद इसमें हम आलू डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, और पानी तुम अपनी मर्ज़ी से कितना भी बढ़ा सकते हो। तुम्हें जितनी ग्रेवी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी तो मैंने इतना ही रखा है। इसको 5 मिनट और पका लेंगे फिर ये डन। और देखो ये पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ऊपर से धनिया डाल दो। कैसे हो रहा प्रकाश? भैया पहले आप खाओ, चलो आप बताओ कैसा हो रहा है। बहुत टेस्टी हो रहा है। टेस्टी हो रहा है? वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। चलो खा लो फिर।